सोमवार को कसराहत में नगर परिषद मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर नगर परिषद परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्राओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए पुरस्कार वितरण किया गया। रंगोली प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा एवं तीसरा इनाम वितरित किया गया एवं अन्य सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली सभी बालिकाओं को भी सातवना पुरस्कार वितरित किए गए। बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का जलवा धरती पर रंग बिरंगी रंगोली सजाकर दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 4 बजे से 6 बजे तक हुआ। किसी ने भगवान की मनमोहक रंगोली तो किसी ने देश प्रेम से संबंधित रंगोली सजाई। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष विमल राजेंद्र सिंह यादव, सीएमओ प्रियंका पांड्या, कर्मचारी, पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है और साथ में सभी को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो मैसेज दिया है रंगोली में वो बहुत अच्छा दिया है। जागरूक किया गया है महिलाओं बच्चियों के प्रति, तो वो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे जागरूक करने के लिए। मेरा उद्देश्य यह है कि बच्चों ज़्यादा भाग ले। इस बार 43 बच्चों ने भाग लिया है और एक लड़के ने लिया, तो मैं चाहती हूँ और अधिक से अधिक बच्चा भाग ले और मैं चाहती हूँ कि बच्चों का हौसला बढ़े और वो आगे और खुद तरक्की करे और आगे बढ़े। बच्चों ने बहुत अच्छी रंगोली बनी है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे जो आज रंगोली बनी है तो उसमें महेश्वर का किला भी बनाया गया था और स्वच्छ भारत मिशन पे भी द्वारा भी रंगोली बनाई गई थी और जो हमारे जो अपने महात्मा गांधी की जो थी प्रतिमा वो भी अच्छी दर्शाई गई थी और राधा कृष्ण जैसे राम सीता की बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई गई। तो बच्चों मतलब आगे बढ़ रही है और मैं एक महिला अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्षद जो है वो भी सब महिला ही है और बच्चा भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया है बच्चों ने और आगे से और ज़्यादा बच्चा भाग ले और ज़्यादा व्यवस्था कर सके बच्चों के लिए कि और उनको ज़्यादा अच्छे से मतलब रंगोली बनाए और वो सुंदर से सुंदर। और कसराहत तहसील चबराहर पठान की यह रिपोर्ट।